आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल नंबर वन है, ठीक है बच्चों। और इफ यू सी दैट फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस नाइन। ये एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है, आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यू कैन सी वेरी क्लियरली अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज गिवन टू अस एंड एक्चुअली लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। वट डू यू मीन बाई एक्सट्रीम? एक्चुअली वी आर फाइंडिंग, we are interested to find the maximum of this function and minimum of the function because it has applications. Okay, so how to find the maximum and minimum values of a function of two variable? The domain of f is the entire plane, so there are no boundary points, and the partial derivatives f of x and f of y. Acha. देखो बच्चों, हमें जो है हमें इसके इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है 2x, आप बहुत आसानी से देख रहे हो इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है 2x आ रहा है, ये रिवीजन है ना। और एफ इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव आ रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आता है? एनीबडी? 2y टू वाई माइनस -4 माइनस फोर। अच्छा, जब आपके आप जब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको जीरो के बराबर ले लें। किसके बराबर इक्वेट कर लें?0 के बराबर सर। हाँ, क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह ये है, जब आप डेरिवेटिव्स को जीरो के बराबर ले लेते हैं तो ये 2x भी जीरो के बराबर आ गया और 2y माइनस 4 भी जीरो के बराबर। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जीरो और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ शिफ्टिंग से 2 आ जाएगी। तो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा इनपुट होता है जिस पर या तो डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएं दोनों बैक वक्त, या उनमें से कोई एक कम से कम अनडिफाइंड हो जाए। ऐसे नुक्ते को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। उसकी वजह, इसकी क्या जरूरत है? उसकी वजह यह है और कैलकुलेट करने की, कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हमें देगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट पर ही देगा। तो ये वो इनपुट है जो कि क्रिटिकल है। अगर ये वो ऐसा इनपुट हमें मिला कि एक फंक्शन अगर मैक्सिमा मिनिमा देगा तो इसी पर, क्यों, कौन कहता है? ये एक थ्योरम है, एक थ्योरम हमें ये कहता है कि एक फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा देगा तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी खातिर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट की और उसको जीरो के बराबर और क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अच्छा, अब तरीका क्या है? तरीका ये है बच्चों, तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप ये अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव्स को ही इस्तेमाल करना करना चाहते हो तो ये इनपुट उठाकर इस फंक्शन में पुट कर लो। चलो इस इनपुट को उठा कर ना इस फंक्शन में पुट करते हैं, देखिए क्या आता है। तो आप जरा मुझे बताएं, अगर एक्स की जगह जीरो पुट कर लें तो क्या आएगा? ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, वाई की जगह अगर दो पुट कर ले, यहाँ से आ जाएगा चार, चार मनफी आठ, मनफी चार जमा नौ, मनफी चार जमा नौ से क्या आता है बच्चों? फाइव। सर 5 अच्छा, तो अब हमारे पास आउटपुट आ गया फाइव। अब फाइव आ गया तो जब फंक्शन ने हमें फाइव दे दिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आउटपुट फाइव जो है ये मैक्सिमम है या मिनिमम? तो मुझे आप लोग बताएं इसको हम कैसे कैसे हम देखेंगे। ये इनपुट मैंने पुट किया फंक्शन में, फाइव आ गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि छोटी वैल्यू है आउटपुट है या बड़ा आउटपुट है, तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर, पहले आप 0 को देखेंगे जो फंक्शन में हमने हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। अगर उससे 5 बड़ा हो तो ये 0 हमारे पास मिनिमा होगा, और अगर ये ग्रेटर हो तो फिर मैक्सिमा होगा। अच्छा, देखिए, हाँ ये देखिए, देखो आपने 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 ये क्रिटिकल पॉइंट उठाया, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास पांच आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये पांच छोटा इनपुट है या बड़ा, छोटा आउटपुट है या बड़ा आउटपुट है? तो अब ये जीरो टू के अलावा कोई इनपुट इसमें ट्राई कर लें, कोई और? अगर आप इसमें जीरो जीरो पुट कर लेंगे तो नाइन आता है। तो ये इसका मतलब है कि पांच जो है ये छोटा आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और वो मिनिमम आउटपुट क्या है? पांच। इसकी कोई मैक्सिमम का हद नहीं है, ये ऊपर ये ग्राफ जा रहा है, इसका कोई इंतहा नहीं, मगर इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या है? वो पांच है। इसका ग्राफ भी शायद इन लोगों ने दिया होगा, इसका ग्राफ कुछ है नहीं, यस इसका नहीं है ग्राफ,
मेरे ख्याल से नहीं, ये भी नहीं है इसका ग्राफ। तो ये एग्जांपल नंबर वन था, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल नंबर टू सॉल्व करते हैं। कोई सवाल आपके जहन में आता है, रिवीजन, ये रिवीजन है तो मुझसे आप पूछ लें, ये एक रिवीजन चल रही है बच्चों। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन बच्चों, स्टूडेंट्स? नो सर। अच्छा, ये देखो आसान था बच्चों, आसान था, ठीक है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। कोई स्टूडेंट एग्जांपल नंबर वन एक्सप्लेन कर सकता है? अगर मैं सपोज नवीद, नवीद है, नवीद, नवीद, बिलाल, बिलाल आप मौजूद हैं मेरे साथ? यस सर। बिलाल जरा भी सवाल को एक्सप्लेन कर लें, ये कैसे सॉल्व होगा? स्क्रीन आपके सामने है, इसको जरा एक्सप्लेन कर लें, हमारा टारगेट क्या है। सर काशिफ कमर जरा एक्स। हाँ अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। यस सर, सर सिग्नल का प्रॉब्लम है सर। अच्छा काशिफ, काशिफ आप बताओ। ठीक है सर। सर ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस नाइन। पहले पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने डेरिवेटिव ले लिया विद नहीं रिस्पेक्ट टू नहीं एक्स, हमें नहीं इसमें हमें चाहिए क्या? सर क्रिटिकल पॉइंट मालूम करना है। नहीं, सवाल में क्या है, हमारा मकसद क्या है सवाल का? सर एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करना है, एक्सट्रीम मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम आउटपुट, ठीक है ठीक है। यस हाँ सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जो है ना वो 2x के बराबर है। इस तरह आ गया हाँ 2x आ गया सर। हाँ और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव जो है ना 2y-4 है। ठीक है। ये आपने इसलिए तलाश की कि आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, और यस सर। क्रिटिकल पॉइंट ही एक ऐसा इनपुट होता है जिसको फंक्शन में पुट करने से मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। अगर उसका हो, उस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम हो, तो उस पर वो मिलेगा फिर, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव सर आपने तलाश किए, फिर आगे क्या किया? फिर डेरिवेटिव जो है दोनों डेरिवेटिव 0 के बराबर ले लिया सर। उसको जीरो के इक्वेट किया, क्योंकि यस क्योंकि इससे जो सोल्यूशन मिलेगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। यस सर अच्छा, तो जब एक्स के लिए सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, जीरो और जब वाई के लिए सॉल्व सर किया तो 2 आ गया सर। टू, तो ये क्रिटिकल इनपुट आपको मिल गया। यस सर अच्छा, अब इस क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल इनपुट के साथ हम क्या करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे सर। हाँ, फंक्शन में, और देखेंगे कि आउटपुट छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया? 5 आ रहा है। अच्छा, अब ये 5 आ गया, तो अब आप, ये तो आपके पास आउटपुट आ गया, तो अब आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये छोटा आउटपुट है या बड़ा आउटपुट है? हाँ सर और इनपुट फंक्शन में डालेंगे तो हम पड़ेगा कि हाँ शाबाश। अगर आप 0 0 जरा ट्राई कर लें, तो 0 0 ट्राई करने से क्या आता है, इससे सर 9 आता है। यस नाइन आता है, और वो बड़ा वाला आउटपुट है। तो इससे हमें सर अंदाजा हुआ कि 5 जो है ये मिनिमम है। हाँ, यस और इससे हमें ये भी अंदाजा हुआ कि इसका मिनिमम है इस फंक्शन का, मगर मैक्सिमम का कोई इंतहा नहीं है। खत्म है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब ये कोई स्पेस में देखा, आपने जो एक्सप्लेन किया ना, इसका मजा ज्यादा आया। मैं बता रहा था वो ठीक था, मगर आप लोग जो एक्सप्लेन करो समझ आए तो मैं, तभी मुझे मजा आता है। अच्छा, अब मजे की बात ये है, मजे की बात अगर आप देख लें, ये भी रिवीजन का सवाल है, हम पढ़ चुके हैं कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज इफ एनी। जरूरी नहीं, देखो इफ एनी का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का जरूरी नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा हो। देखो ये मिसाल अगर आप देख लें, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन ऊपर, ये देखो, ये वाला है तकरीबन। हाँ ये, अब देखो इसके इसकी गहराई की कोई इंतहा नहीं, और इसकी ऊंचाई की कोई इंतहा नहीं, तो इसका ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल बीच का है, मगर इस पर ना वो हमें मैक्सिमम देगा ना मिनिमम देगा। बच्चों याद रखो, सैडल पॉइंट किसे कहते हैं? सैडल पॉइंट एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट किसी फंक्शन का जिस पर ना तो आपको मैक्सिमम दे ना आपको मिनिमम मिले, उसको हम क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो कोई स्टूडेंट ये जरा एक्सप्लेन कर ले ये सवाल। सर पॉइंट सर बोला सबसे सर। पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उसके लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई हाँ स्क्वायर हाँ माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस ठीक है एक्स स्क्वायर ठीक का तो हमारे पास तो डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आएगा, और ठीक जब है। वाई का लेंगे तो 2y आएगा। उसके बाद हम लोग इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हाँ टू उस साइड पुट पे किया। शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और इस तरह 2y है वो भी टू उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वाई इधर ही रहेगा तो उसकी भी 0 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 0 0 आ जाएगी। अभी 0 0 को हम लोग उसमें अपने फंक्शन में पुट करेंगे, तो हाँ 0 को वाई में पुट करेंगे तो हमारा तो 0 ही आएगा, और जब एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। उसके बाद हम लोग तो ये देखेंगे कि ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो उसके लिए हम लोग कुछ और वैल्यूज लेंगे। अगर हम लोग इस तरह 1 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर, अगर एक्स को हम लोग 1 लेंगे तो हमारे अरे थोड़ा पास ये से। सा सब्र करें। मैं आप मैं ज़रा इस तरह करता हूँ ना कि मैं आपकी बात को जो है मैं ज़रा मैं भी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपकी बात सही एक्सप्लेन हो जाए। मुझे बताएं फंक्शन आपका था एफ ऑफ एक्स वाई जो है, मे भी मैं इसको अपलोड कर लूँ तो दुनिया वालों को भी इसका कोई फ़ायदा हो। ठीक है तो एक्स स्क्वेयर है और सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ना। तो ये आपका फंक्शन है वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आपका क्रिटिकल पॉइंट आया बच्चों 0 0, आपने उसमें पुट किया और जब 0 0 आ गया इससे आपके पास आउटपुट आ रहा है 0। ठीक है अच्छा अब बच्चे मुझे आप बताएं आप इसमें कोई और इनपुट। अब सवाल ये निशान है यहाँ कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ये 0। हाँ अब बच्चे मुझे बताएं मैं कोई और इनपुट ट्राई कर लूँ। आप बताएं। यस हाँ कुछ और ट्राई कर लें आप मुझे बताएं ज़रा। सर 1 2 कर ले। हाँ 1 2 1 2 1 2 पर क्या रहा है 4 माइनस 1 आ रहा है 3। यहाँ से अंदाजा आ रहा है कि ये बड़ी वैल्यू नहीं है क्योंकि इससे बड़ी दस्तयाब है, इससे बड़ी दस्तयाब है तो ये तो बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा अब और क्या ट्राई कर लूँ 2 1 ट्राई कर लूँ। 2 1 2 1 से बच्चों क्या रहा है यस 1 माइनस 4, उसे आ रहा है -3 और -3 इससे छोटी है तो इसका मतलब ये है कि ये ना छोटी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नार मिनिमम वैल्यू। सो इट मीन्स दैट व्हाट इट मीन्स दैट दिस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड दिस क्रिटिकल पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट एट विच वी डिडेंट गेट एनी मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो दिस पॉइंट कैन बी टर्म्ड एज अ सैडल पॉइंट, अ पॉइंट एट विच अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच वी डोंट गेट एनी मैक्सिमम आर मिनिमम इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। एंड यू नो अगर आप ग्राफ को देखें ग्राफ का रवैया बिल्कुल सीट की तरह होगा लाइक सीट ऑफ अ साइकिल और सीट ऑन यू नो अ सीट ऑफ अ हॉर्स लाइक यू नो फंक्शन विल बी ऑफ दिस टाइप दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। ठीक है बच्चों दैट्स फाइन दैट्स फाइन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अलहमदुल्ला यू पीपल आर एक्सप्लेनिंग इट योर सेल्फ बट एनी हाउ इफ स्टिल यू हैव क्वेश्चन आई वेलकम यू। अच्छा बच्चों एनी बडी हु कैन एक्सप्लेन द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विच वी हैव लर्नड एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू। Anybody who can explain this? Just see to the books and explain. Anybody? Can you hear me? Can you hear me? यस सर, Achha, explain. Anybody who can explain second derivative test? Can you do that? आशिफ कैन यू डू दैट। ये आप खुद समझाए तो बेहतर होगा। अच्छा देखो बच्चों बात ऐसी है कि देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना सेकंड डेरिवेटिव याद रखें ये भी रिवीजन है तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी गुजरूंगा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना बच्चों ये एक फैसिलिटी है, ये एक फैसिलिटी। सर किस तरह फैसिलिटी? देखो बात ऐसी है मिसाल बिल्कुल मौजूद है, ये मिसाल है। देखो अब देखो
जीरो जीरो आपका क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, आपने उसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखो हमने कुछ मैनुअल ट्राइज किए, मैनुअल ये कुछ मैनुअल कुछ और वैल्यूज ट्राई किए, और हम ये देख रहे थे कि ये जो सवालिया निशान है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो इसके लिए हमने कुछ और मैनुअल ट्राई किया ना, ये तो इस मैनुअल ट्राई से बचाने के लिए, मैनुअल ट्राई क्या, आप मैनुअल ट्राई मत करें, काम बहुत आसान कर लें, ये मत करें, आप इस तरह कर लें कि क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, जो आपके पास फिर क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आप डबल डेरावेटिव्स में पुट कर लें। किस तरह, मैं जरा आपको बताता हूँ। मैं डबल डेरावेटिव टेस्ट को, देखो डबल डेरावेटिव टेस्ट कहता है कि आप डबल डेरावेटिव्स कैलकुलेट कर लें, और उससे काम वो आपको बताएंगे, उनके साइंस आपकी मदद करेंगे। तो मैं जरा डबल डेरावेटिव टेस्ट के लिए डबल डेरावेटिव्स पहले कैलकुलेट करता हूँ। मुझे जरा कोई बताए कि इस फंक्शन का डबल डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है? -2, सर माइनस टू ठीक है। डबल डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ रहा है? टू सर टू आ रहा है, थैंक यू। हमें हमें मिक्स की भी जरूरत होगी, मिक्स डबल डेरावेटिव की। तो एक्स वाई क्या रहा है? एक्स वाई का मतलब क्या है? ये मिक्स डेरावेटिव कहलाता है। इसका मतलब है कि वाई के लिहाज से जो आपने डेरावेटिव लिया था, अब उसका एक्स के लिहाज से डेरावेटिव लो। तो वाई के लिहाज से जब हम ले लें डेरावेटिव, तो वाई के लिहाज से जब लेंगे तो -2 वाई आएगा, उसका आएगा 0, 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। अच्छा, अब डबल डेरावेटिव टेस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एक फंक्शन है बेसिकली, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसको कैलकुलेट आप कर लें, तो उसका फार्मूला ये है कि डिस्क्रिमिनेंट में ये तीन डेरावेटो का इम्तिशाज है, उनका कम्बिनेशन है, और बहुत आसान है। वो ये है कि डबल डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डबल डेरावेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसका साइन हमें देखना होगा बस, ठीक है, और ये हमें मैनुअली से बचाता है। वेरी सिंपल। अच्छा, मिक्स का, ये आपका मिक्स हो गया बच्चों, मिक्स का स्क्वायर, ठीक है। टू रिमेंबर, आप मैथमेटिक्स को देख रहे हो, इसे आपका कैलिबर हाई होगा, स्टेटिस्टिक्स में पढ़ने में आसानी होगी। जब आपको टीचर, मैथमेटिक्स वाले टीचर तर्जुमानी करता है ना, तो वो फ़ायदा होगा आपको ना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अभी आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट एक फंक्शन है, ठीक है, और इसमें तीन फंक्शन मिले हुए हैं, ये उसमें यूज हो रहे हैं। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट इस मशीन के हवाले कर दें और इसका साइन नोट कर लें। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट में जब मैं 0 0 क्रिटिकल पॉइंट में उसमें पुट कर देता हूँ, तो जब मैंने 0 0 डिस्क्रिमिनेंट के हवाले कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। -2, डबल डेरिवेटिव तो -2 आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या रहा था? वो था 2, सिंपल। और मिक्स आपके पास आ रहा था 0, इससे आपके पास जवाब आ गया -4। जवाब क्या आ गया? नेगेटिव जवाब आ गया। जब नेगेटिव जवाब आ गया, तो अब देखो जब भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट से नेगेटिव जवाब आ जाए, तो उसका मतलब है कि वो क्रिटिकल पॉइंट, वो सेटल पॉइंट, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखें, ये देखें आपके बिल्कुल सामने, अगर डिस्क्रिमिनेंट का, ये देखो तीसरा नंबर ऑप्शन देख लें, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव आ गया क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से, आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो जान लो वो सैडल पॉइंट है, उस पर कुछ ही नहीं मिलना, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, तीसरा ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना, ये आपको मैनुअल पुटिंग से बचाता है। आपने सिर्फ करना ये होगा कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पर, और डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, देखो तो उसका मतलब होगा कि मैक्सिमम। डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव और डबल का पॉजिटिव, तो उसका मतलब कि मिनिमम। अगर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो जाए, तो जान लो कि वो सैडल पॉइंट है, ठीक
ठीक है, तो सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? ये आपको मैनुअल सब्स्टिट्यूशन से बचाता है, ये एक ऑटोमेटिक तरीका है। ठीक है बच्चों, तो इस पर मैं एक मिसाल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक दफा इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ये एक फैसिलिटी है और बहुत ही आसान फैसिलिटी है, और लोग प्रूव कर चुके हैं। आप सिर्फ इसको इस्तेमाल, जैसे एक कप बना हुआ है, आप इसमें सिर्फ चाय पी लें, ये बन चुका है, तो तुम लोगों के लिए इसमें मुश्किल नहीं है। ये लोग बना चुके हैं, तुम लोगों को फैसिलिटी दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ बच्चों, तुम्हारे लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लोग बना चुके हैं। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट दिस सेंटर एट ए बी, एंड दैट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट मौजूद है ए बी। यहाँ से नजर आ रहा है कि ए बी एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब अहम बात आगे आ रही है, वो ये है कि फंक्शन उस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम होगा अगर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का साइन उस पर नेगेटिव आ जाए मगर डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव आ जाए, तो जान लो उस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। मिनिमम देगा अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो गया, देखो डिस्क्रिमिनेंट मैक्सिमम मिनिमम दोनों पर पॉजिटिव साइन देगा, मगर जब डिस्क्रिमिनेंट का ही साइन नेगेटिव हो जाए तो जान लो वो क्रिटिकल पॉइंट सैडल पॉइंट है, उस पर कुछ नहीं मिलने का, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ठीक है, और फोर नंबर बात ये है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है आई एम सॉरी, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकूंगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ और तरीका, मैनुअल तरीका इस्तेमाल कर लें, कोई और तरीका। इसकी भी इस टेस्ट की कमजोरी ये है ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वो जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि आप कोई और तरीका इस्तेमाल, मैनुअल तरीके से कर लें, कोई और तरीके से, फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बच्चों इसकी समझ आई कुछ? यस सर। आसान है ना? कोई सवाल जहन में हो मुझसे पूछ लें, कोई सवाल जहन में हो मुझसे पूछ लें बच्चों। अच्छा, इस पर मिसाल करते हैं, इस पर मिसाल करते हैं। अच्छा, ये वो एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों, वो इंतहाई आसान है। फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। बच्चों ये एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है माशाल्लाह, एक्स वाई मनफी एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर माइनस 2x-2y+4। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, हमें करना ये होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज तलाश करने हैं अगर हो को तो बच्चों उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो बच्चों, एनीबॉडी एनी स्टूडेंट कैन टेल मी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहा है? कोई मुझे बता सकता है रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या रहा है? सर वाई -2x-2। वाई माइनस 2x-2। अच्छा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ रहा है? सर x-2y-2। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा स्टेप आपका ये है कि आप डबल आप अपने जब ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए तो उसको जीरो के बराबर इक्वेट करो। क्यों? ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए, एक्स और वाई की वो वैल्यूज आ जाएं जिस पर ये डेरिवेटिव जीरो है। तो जब आपने इसको जीरो के इक्वेट कर दिया तो वो पॉइंट खुद ब खुद आ गया। आपने देखो देखो आपने जब जीरो किए तो इसको जब सॉल्व किया तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ये ही वो क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया -2/2-2। इसका मतलब क्या है? ये वो इनपुट है जिस पर दोनों डेरिवेटिव्स बैक वक्त जीरो हो रहे हैं, यही क्रिटिकल पॉइंट है, और इसी पर अगर होगा तो मैक्सिमा मिनिमा होगा इस फंक्शन का। ठीक है, कौन कहता है? थ्योरम कहता है। थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट पर ही होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लें। मगर हम देखो आपके पास अब दो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है बच्चों कि आप इसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पर ही इसको कर लो, इसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, इसको फंक्शन में क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो,
और फिर मैनुअली पुटिंग कर लो, या डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करो। मैं हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट आज इस्तेमाल कर रहे हैं रिवीजन में। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोबारा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी इसका कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बच्चों? सर माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा। एंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा? वो भी माइनस टू आएगा सर, माइनस टू। अच्छा मिक्स कैलकुलेट कर लें एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई मिक्सड सेकंड ऑर्डर। मिक्स कर सकते हो? यस सर सर। तो एक्स वाई, हाँ तो उसका क्या आएगा एफ ऑफ एक्स वाई क्या आएगा जी बच्चों? अंबरीन बिलाल नवीद काशिफ, मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मिक्स कैलकुलेट हुआ, मिक्स जो है ना, मिक्स मिक्स का मतलब ये है, कैन यू हेयर मी? यस सर सर। मिक्स जो है ना, हाँ मिक्स का मतलब ये है कि फंक्शन का जो वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया था ना, अब उसका एक्स के लिहाज से लो। तो वाई के लिहाज से तो ये है, अगर अब इसका हम एक्स के लिहाज से अब लेंगे तो क्या आएगा एक्स के लिहाज से? सर वन आएगा, वन आएगा, दैट्स फाइन। तो ये वन आ गया, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। अच्छा अब हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जी जी बच्चे जी जी सर ये वन हाँ, थैंक यू फॉर आस्क क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, यू आस्क क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। वन कैसे आ गया? ओके आई एम गोइंग टू टेल यू। अच्छा ओके वेरी इजी, डोंट वरी, दिस इज वेरी सिंपल इंशाल्लाह। आई एम सॉरी व्हाट आई हैव डन। ठीक है अच्छा, नाउ स्टूडेंट इज आस्किंग के सर हाउ वी गेट अ ओके लेट मी जस्ट क्लीन दैट एक्स्ट्रा थिंग। ओके तो माय डियर स्टूडेंट इफ यू सी दैट द मिक्स वन द मिक्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज द सेकंड ऑर्डर, ये डबल डेरिवेटिव है मगर मिक्स। एक नोटेशन ये है बच्चों और एक नोटेशन इसकी ये है, ये टिक मार्क साइन है। So one notation is this, this is another notation, जो पसंद हो इस्तेमाल करो, दोनों international notation है, माने जाते हैं, partial x, partial y, ठीक है। इसको हम calculate कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि जो आपने y के लिहाज से derivative लिया था, इसका मतलब क्या है? Function का आपने y के लिहाज से जो derivative लिया था, अब उसका x के लिहाज से लो। इसका मतलब ये है, यानी x अप्लाई करो, अब किस पर अप्लाई करो? अपने y के लिहाज से लिया था उस पर। दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी डबल, पहले y के लिहाज से लिया था अब x के लिहाज से लो। तो मैं कर लेता हूं, ये देखो बहुत आसान, ये y का डेरिवेटिव है बच्चों, इधर लिख लें, मैं लिख लेता हूं, तुम्हारे सामने लिख लेता हूं, कुछ भी इसमें नहीं है, है बहुत आसान, ये लिख लिया मैंने आप लोगों के सामने। अब मैं इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा, तो इससे आएगा बच्चों जब यहाँ अप्लाई होगा तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स अंदर अप्लाई हो गया उस पर, नज़र आ रहा है तुम लोगों को? बहुत आसान है, बहुत आसान, ये यहाँ अप्लाई हो गया, ये टू वाई माइनस टू पर अप्लाई हुआ। अच्छा अब बच्चों ये देखो y और ये तो कांस्टेंट रीट होंगे ना, क्योंकि डेरिवेटिव तो x के लिहाज से है और ये कांस्टेंट्स है, तो ये तो सिफर हो जाएगा, सारा टर्म सिफर हो जाएगा।
और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आता है 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा, एनीबॉडी हैविंग सम क्वेश्चन? लेट मी सी। ओके ठीक है, ओके, खैर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नवीद। ठीक है, तो और प्रे दैट वी जस्ट गो अगेन इन आवर क्लास एंड वी जस्ट स्टडी ओवर देयर। आई आल्सो फील सॉरी फॉर दैट व्हेन सम स्टूडेंट हैव सिग्नल प्रॉब्लम, बट एनी हाउ लेट्स प्रे दैट अल्लाह खैर से हमें अपने क्लासों में ले जाए, वहाँ हम इंशाल्लाह लेंगे क्लासें। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ये बच्चों आ गया, ये सॉल्व, ये आ गया डेरा, तो मिक्स कैलकुलेट हुआ। आई होप कि स्टूडेंट को क्लियर है, फिर भी नहीं है मुझे बताया करो, मुझे बताया करो बच्चों। अच्छा तो ये आपका मिक्स भी कैलकुलेट हो गया, ये देखो मिक्स आपका कैलकुलेट, मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये बच्चों देखिए, ये देखिए मिक्स कैलकुलेट हुआ। अच्छा अब करना क्या होगा सर, प्रॉब्लम क्या है? देखो बच्चों, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया हुआ है ना -2 -2, हमें देखना होगा कि इस पर फंक्शन में पुट करने से मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसका फैसला करना है। तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेंट और ये डबल डेरिवेटिव्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट इनमें पुट करके इनके साइंस हमें देखने होंगे। कैसे, मैं आपके सामने ये सवाल करता हूँ, प्लीज आप तवज्जो दें। अच्छा तवज्जो दें आप बच्चों, इसकी समझ आज ना आए मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये देखो बच्चों, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला तुम लोगों को याद है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस मिक्स डेरिवेटिव का स्क्वायर। अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करना है, मगर वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शंस हैं, -2 -2 और 1, तो उसमें तो पुटिंग कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू -2 है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की भी वैल्यू -2 है, और मिक्स की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इससे जाता है -2 -2 = 4, 4 -1 = 3। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव क्या बताती है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है? पॉजिटिव साइन ये बताता है कि इस पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। काशिफ, बिलाल, नवीद समझ आ रही है ना? देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि इस क्रिटिकल पर या मैक्सिमा होगा या मिनिमा, कुछ ना कुछ है। अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब है कि सेडल है, मगर पॉजिटिव आया है तो दो चांसेस हैं, या मैक्सिमा या मिनिमा। अब उसका कौन फैसला करेगा? उसका फैसला अब ये करेगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट कि मैक्सिमा है या मिनिमा। अब इसका साइन अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। चलिए चेक करते हैं मिलकर। ये देखो अब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब ये पुट करेंगे, उसमें तो पुट करने की जरूरत है, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है वो -2 है, वो नेगेटिव है ऑलरेडी, तो चूंकि ये नेगेटिव साइन आ गया और डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि इस क्रिटिकल पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। लिखा इन लोगों ने, टेल्स दैट एफ हैज लोकल मैक्सिमम एट इन एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, और वो आउटपुट क्या है, फंक्शन में पुट कर लो बस इसको ऊपर फंक्शन में, द वैल्यू ऑफ एफ एट दिस इनपुट इज एक्चुअली 8। तो ये मैक्सिमम इस फंक्शन का आउटपुट है, मैक्सिमम, इससे बढ़कर फंक्शन नहीं बढ़ रहा। ग्राफ भी इसकी गवाही दे रहा है, ग्राफ अगर हो तो, अजीब बात यह कि इनकी ग्राफें लेट लेट इन्होंने दी है जो कि हाँ ये कुछ पुराने पुराने क्वेश्चनों की ग्राफें पिछले पिछले दी हुई हैं। ग्राफ बना भी सकते हैं, अभी मैं बना दूंगा जी। जी ग्राफ क्वेश्चन, मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक तुम लोगों को समझ ना आए। मैक्सिमम वैल्यू 8 है, ग्राफ बना दूं, जरूरत है ग्राफ बना दूं? नो सर, बस इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बाकी समझ आई बच्चों? यस सर।
हाँ कोई सवाल आपका आ रहा हो मुझसे पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, ए बी रिवीजन हो जाएगी आज हमारी। सर अगर सेट हुआ तो फिर तो ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा ना। हाँ वो पे देखो उसमें क्या होगा, उसमें अगर ये अगर सेटल उसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट आपको जीरो नहीं वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव जवाब देते हैं। जैसे पिछला मिसाल जो है ना, मैं पिछले मिसाल पर वापस चला जाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है ठीक है। मैं इसमें वापस ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो था, एग्जाम्पल नंबर 2 ये अभी जो हमने किया, मैं दोबारा उस पर आ गया हूँ। इसका जो था ना, ये जब हमने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किया, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट को 0 के बराबर लिया और वाई को भी 0 के बराबर लिया, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जैसे हम बरीन ने कहा कि 0 0 आता है, तो ये जब 0 0 हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देता हूँ आप लोगों के सामने, इसको किया भी अभी दोबारा कर देता हूँ, शायद वो आ जाए, वो जो मैंने लिखाई की थी नहीं, वो नहीं आएगी, वो लिखाई नहीं आ गई। हाँ तो वो मैं कर देता हूँ। फंक्शन हमारे पास था देखो एफ ऑफ एक्स वाई, जो था हमारे पास एक्स वाई, जो हमारे पास था वो था वाई माइनस एक्स ठीक है। तो ये था हमारे पास ठीक है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ये वो फंक्शन था ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था 0 0 था। सवाल जहन में ये उबरता है कि ये मैक्सिमम, इस पर मैक्सिमम फंक्शन देगा या मिनिमम देगा ठीक है, ये वाला फंक्शन ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा इसको। तो तरीके दो तरीके हैं, या मैनुअली मैनुअली हमने इसको किया भी हुआ है, हम इसको डबल डेरिवेटिव से करना चाहते हैं, तो इसकी खातिर हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत होगी ठीक है। हम उससे पूछेंगे कि क्या मामला है। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे काशिफ ने इसका जवाब दिया था कि -2x आ रहा है, और जब इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो 2y आ रहा है। अच्छा इसका जब हम डबल कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है, इसका आ रहा है -2 डबल डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम डबल कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 2। अच्छा अगर हम इसका मिक्स कैलकुलेट करेंगे, बच्चों मिक्स का मतलब ये है कि वो मिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो मिक्स का अब वाई के लिहाज से जो लिया है उसका एक्स के लिहाज से जब लेंगे, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं इसमें, तो 0 आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव्स हमें दरकार हैं डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। हाँ ये वो मैं स्टूडेंट ने चूंकि मुझे अभी कुछ कहा, ये बिलाल था मेरे ख्याल से, तो या इब्राहिम था जिन्होंने ये बात कही, तो उसकी खातिर मैंने दोबारा बताया। अच्छा तो हाँ तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बच्चों क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का कोई बता सकता है? सर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव हाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस माइनस हाँ मिक्स डेरिवेटिव। मिक्स का स्क्वायर ठीक है, मिक्स का यस स्क्वायर ठीक है। अब हमें इसका साइन देखना होगा, तो ये बजाय ये कि फंक्शन में पुट कर लें, इसको डी में पुट करके देख लें कि इसको डी में डी डी का साइन हमें चाहिए होगा। तो जब इसको डी में पुट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन थे, -2 आ रहा है, और ये दूसरा क्या रहा है, सर टू ये दूसरा 2 है ठीक है, और ये तीसरा 0। सर वजीर हाँ और इससे डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का साइन नेगेटिव आ जाता है उस वैल्यू को पुट करने से, उस वैल्यू को उसका मतलब ये है कि इस पर ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, ये इस पर ये सैडल पॉइंट है, ये क्या है, इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, उसका तो उसका ग्राफ कैसे होगा, बुलंदियों पर जाएगा और डीप में जाएगा, इसका कोई हद नहीं है, दोनों रुखों में इसका कोई हद नहीं है। इन्होंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये ग्राफ इन लोगों ने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, खूबसूरत ग्राफ है, ये देखें ये ग्राफ है, ये हकीकतन ये ग्राफ है, ये देखें ये सैडल पॉइंट है, बिल्कुल घोड़े की पीठ के ऊपर जो सीट पड़ा होता है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक पाँव इस साइड का होता है और एक पाँव, जैसे अर्दा अलगाजी जो होता है वो घोड़े पर बैठता है ना,
एक पाउंड, इस साइड पर एक पाउंड, तो इसलिए इसको सैडल पॉइंट कहा जाता है। ये इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। अब अगर इसका देखें, ये देखो ये किनारा बिल्कुल गहराई में जा रहा है और ये वाला पॉइंट के ऊंचाई पर जा रहा है, इसका कोई हद नहीं, इसलिए इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सरफेस का ग्राफ भी है। सैडल पॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है कि घोड़े की सीट के ऊपर, जो घोड़े की पीठ पर जो सीट होती है ना, मियान उसको कहते हैं मेरे ख्याल से, या जो भी उसकी सीट पर जीना, तो ये बिल्कुल जो है ना उसकी तरह होता है, जीना की तरह होता है, इसलिए उसको सैडल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने है ये ग्राफ। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। आर यू विद मी? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 4 भी, ये रिवीजन चल रहा है बच्चों, ये रिवीजन चल, आज का टॉपिक मेरा ये नहीं था, ये रिवीजन चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो है, और पेपर में भी आएगा ऑफ कोर्स, जाहिर बात है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ, एक सरफेस हमें गिवन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, 3y² - 2y³ - 3x² + 6xy। ग्राफ इसका कैसा है, खूबसूरत ग्राफ नजर आ रहा है इसका, लेट्स सी इसका ग्राफ कहाँ पर है। इसका ग्राफ फिर जरा देख लें कि क्या सिचुएशन है। हाँ ये है इसका ग्राफ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका देखो, ये इस किनारे से लग रहा है कि इसका मैक्सिमा कोई नहीं, मिनिमा कोई नहीं, ऐसे लग रहा है ना मुझे, इसे ग्राफ से लग रहा है, डोंट नो, लेट्स सी, कैलकुलेशन से पता चलेगा। ग्राफ से भी पता चल रहा है कि किनारा नीचे जा रहा है और ये किनारा ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका ना तो कोई मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। हाँ सेटल होगा बिल्कुल, यहाँ सीट की तरह एक फीचर बन रहा है, यहाँ बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हो रहा है ना, क्रिटिकल पॉइंट इसका होगा, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, मगर उस पर ना तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम, इसका भी सेटल पॉइंट है। लेट्स सी इन्होंने लिखा क्या है, द सरफेस हैज अ सेटल पॉइंट एट द ओरिजिन एंड अ लोकल मिनिमम। वाओ ये देखो, ये यहाँ पर है एक लोकल मिनिमा, यहाँ पर है ये देखिए, ये वाओ खूबसूरत, इसका मतलब क्या होगा तुम्हें पता है, ये लोकल मैक्सिमा है। काशिफ? यस सर। काशिफ मजे की बात ये है ना कि इसका मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा इस इलाके में, ये एक खान है इसमें। यस सर। ये एक खान है छोटे से, क्योंकि इसमें यहाँ तो बढ़ रहा है और यहाँ भी वो नीचे जा रहा है, मगर यहाँ एक लोकल खान है इस वाले इलाके में, इसको लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि एक इलाके में बड़ी वैल्यू, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं कह सकते, मगर एक खास इलाके में बड़ी वैल्यू, एज अ होल बड़ी वैल्यू का कोई हद नहीं है, तो ये जो भी जवाब आएगा उसको हम लोकल कहेंगे। अब इसका इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये है कि आप नहीं बता सकते कि यही अल्टीमेट बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो झूठ होगा, एक इलाके में वो बड़ी वैल्यू है, एक कुछ इनपुटों में वो बड़ी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कमरे का सीआर, आप लोगों में वो सब वो बड़ा है, मगर वो पूरे डिपार्टमेंट का तो बड़ा नहीं है ना, बात समझ आ रही है ना, वो एक खास क्लास का, हाँ वो खास क्लास का मशर है बस। हाँ तो दो पॉइंट आएंगे हमारे पास, दो पॉइंट आएंगे, एक सैडल होगा और एक लोकल मैक्सिमम होगा। चलिए सवाल को एंजॉय करते हैं, प्लीज आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तलाश कर रहे, आउटपुट अगर हो तो। अच्छा सॉल्यूशन, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इट कैन अज्यूम एक्सट्रीम वैल्यूज ओनली वेयर। अच्छा इसके हम क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आएंगे, डेरिवेटिव तो अनडिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट को तलाश करने के दो तरीके हैं। काशिफ अब्दुल्ला इब्राहिम, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। दो तरीके हैं क्रिटिकल पॉइंट को तलाश करने के लिए, एक तरीका ये है कि देखो इस कौन सा ऐसा इनपुट है जिस पर इसके डेरिवेटिव अनडिफाइन है, या कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जिस पर इसके डेरिवेटिव्स जीरोज हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। देखो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा इनपुट जिस पर किसी फंक्शन के दोनों डेरिवेटिव्स विद एक वक्त जीरो हो जाएं, या उन डेरिवेटिव में कम अज कम एक अनडिफाइंड हो जाए। तो अनडिफाइंड का तो हम तस्वीर इसलिए नहीं कर सकते
ये दोनों डेरिवेटिव्स भी पॉलिनोमियल हैं और वो तो डिफाइंड होंगे, तो हम अब जीरो जीरो वाला ऑप्शन को लेकेंगे, अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको जीरो के बराबर ले लिया, यह दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई के लिए। ये देखो इस पहले वाले इक्वेशन से आप एक्स और वाई बराबर आ जाते हैं, पहले इक्वेशन को जो आप इक्वेट कर लेंगे ना जीरो के, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है। अब ये एक्स इज इक्वल टू वाई, गौर फरमाए बच्चों प्लीज, इंपॉर्टेंट सवाल है ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पुट कर लें, एक्स को वाई से रिप्लेस कर लें, ठीक है, तो आपके पास प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा वाई में, कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में। बात समझ आ रही है काशिफ? यस हाँ, पहले से x इज इक्वल टू वाई, दूसरे में वो पुट करें एंड सब्स्टिट्यूट फॉर वाई इनटू द सेकंड इक्वेशन, ये x को वाई में तब्दील कर लें, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इन्होंने वाई को x से किया है, वाई को x से कोई मसला नहीं है, ये 6 और 6 12 हो जाएगा, तो आप 6 कॉमन ले लें 6x, तो ये एक दो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2, मगर एक्स और वाई तो बराबर है, तो वाई की भी वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्योंकि एक्स और वाई तो बराबर थे, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू होगी, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। आज का एक मुनफरिद सवाल, नया सवाल, क्योंकि आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट ने फैसला करना है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसको एंजॉय करते हैं बच्चों, इस सवाल को, खूबसूरत सवाल है अपनी नवीयत का। हमारे जहन में सवाल आता है कि इस पर फंक्शन मैक्सिमा है या इस पर मैक्सिमा, इस पर मिनिमा है या इस पर मिनिमा है, ये सैडल है या ये सैडल पॉइंट, पता नहीं लग रहा। अब इसको हम डबल डेरावेटिव से उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको अपनी खिदमत में लाएंगे। देखो बच्चों, जब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने कैलकुलेट किया, तो मुझे बताएं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से क्या आएगा, आप लोग मुझे बता दें। सर -6 -6, अच्छा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, आप बता दें आप लोग। सर 6 -12 y वेरी गुड, डबल डेरिवेटिव में चेक करता हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा मिक्स कैलकुलेट कर लें इसका, एक्स के लिहाज से कर लें इसका, मिक्स वाला 6 सिक्स आता है, वेरी गुड। तो ये तीनों डेरिवेटिव्स डबल आपने कैलकुलेट किए, डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, सो दीज थ्री आर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अच्छा अब डिस्क्रिमिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों को याद है, डबल थ्योरम से आया था, थ्योरम से रटा नहीं है, थ्योरम ने हमें बताया था ये इस्तेमाल किया करो, तो डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई मनफी मिक्स का स्क्वायर, उसमें वो पहला इसकी बारी है जीरो जीरो की, पहले जीरो जीरो उसमें पुट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है एक्स वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ये तो मनफी 6 अपनी जगह पर आ जाएगा। जीरो जीरो जब आप यहाँ पुट करेंगे डबल विद, क्योंकि डबल यहाँ प्रोडक्ट में है, लेट मी मैक्सिमाइज इट मोर, पहले जीरो जीरो को चेक करते हैं किस पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है मनफी 6। अच्छा यहाँ जब आप वाई की जगह जीरो पुट कर लेंगे, मनफी 6 इंटू 6 मनफी 36 आ गया। अच्छा अब ये मिक्स में पुट कर लें जीरो जीरो, क्योंकि जीरो जीरो को हम चेक कर रहे हैं ना, इसकी बारी है पहले, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, और जब इसको हम मिक्स में पुट करेंगे तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन है ये लोग। अच्छा इन लोगों ने पहले जो है ना, इन लोगों ने पहले अजीब बात यह कि इन्होंने पहले 2 2 को चेक किया, तो पहले ये पहले पोजीशन पर आ रहा है, पहले था, इन्होंने पहले 2 2 को ट्राई किया है। हम चूंकि मैं 0 0 में हूँ, मैं 0 0 वाले पोर्शन में चला जाता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट में कह रहा है कि वो नेगेटिव आ रहा है, मैं जरा इसको अपने हाथ से सॉल्व कर लूँ यार, आसान है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है एफ ऑफ एक्स एक्स, तब आएगी जब मैं इसको ठीक तरीके से कर लूँ।
इन्वेस्टिगेटिंग जीरो जीरो, अच्छा डबल एक्स इंटू डबल वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा आपका जो डबल एक्स था वो तो ऑलरेडी आपका आ रहा है सिक्स था मेरे ख्याल, मनफी सिक्स, लेट मी सी, मनफी सिक्स। अच्छा ये आपके पास आ रहा है ये वाला। काशिफ कैन यू हेयर मी? यस सर। अच्छा ये वाला आ रहा है सिक्स, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ जब आप जीरो पुट करेंगे वाई की जगह यहाँ एक्स में, ये सॉरी डबल में, जब आप इसमें वाई की जगह जीरो पुट करेंगे यहाँ तो ये सिर्फ छः बच जाएगा, मैंने छः लगा दिया, और माइनस का साइन है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, और डबल वो भी तो कांस्टेंट फंक्शन है तो छः का स्क्वायर से आएगा 36 आ रहा है, नहीं सॉरी वो छः, व्हाट इज दिस, लेट मी सी, हाँ हाँ 36 आ रहा है, छः का स्क्वायर 36 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -36, -36, -72, -72 आ रहा है, और -72 का मतलब कि साइन नेगेटिव है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सैडल पॉइंट है, इस पर कुछ नहीं मिलने का, ये बेकार पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, ठीक है, क्रिटिकल तो है मगर कुछ मिलता नहीं है इस पर, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। अच्छा अब टू 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 की बारी है, टू टू को किताब से देख लें कि टू टू पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। टू टू की बारी है, जब इन्होंने टू पुट किया, अब देखो करेंगे कैसे, प्लीज जरा आप तवज्जो फरमा दें, अच्छा ठीक है, बच्चों आर यू विद मी? यस सर। अच्छा थोड़ी सी आप लोगों की मुझे टीम वर्क चाहिए, अच्छा टीम वर्क चाहिए, टू टू अब हम इसमें पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, टू टू जरा पुट कर लेते हैं, डबल में डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब आप टू पुट कर लेंगे टू टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट, उससे क्या आएगा डबल, वही सिक्स आएगा, वही मनफी सिक्स आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई में जब आप टू पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, इसमें टू पुट होगा तो क्या आएगा सर, -24 मनफी 24 जमा 6 से क्या आता है 18, चलिए इसको लिख, हाँ ठीक है ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग टू और टू, ठीक है तो हाँ ये जरा मैं इसको ठीक कर लूँ, ये हो गया यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब गौर फरमाए, यहाँ पर हमारे पास वही सिक्स का सिक्स है, ठीक है, यहाँ आपने कहा कि सर इससे जब टू पुट करेंगे तो -18 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है -18, अच्छा और मिक्स का स्क्वायर से आ रहा है 36, 6 का स्क्वायर से आ रहा है 36 आ रहा है, तो इससे आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ गलती तो नहीं हो रही -6 है, हाँ, ये -6 है। अच्छा अब 16 96 97 98 108, यहाँ से 108 आ रहा है, 108 आ रहा है, -36 आ रहा है, जो कुछ भी इसे आएगा होगा वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो,
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस इनपुट पर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब मैक्सिमम है या मिनिमम, उसका फैसला डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा कि अब क्या सिचुएशन है। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो है ना साइन इस इनपुट टू और टू पर वही आ रहा है मनफी छः, जो कि नेगेटिव है, और जब भी डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ जाता है तो इस डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू इसका मतलब ये है कि इस पर फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक। और वो आउटपुट क्या है, आउटपुट है आठ, आठ आठ इज द आउटपुट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज का चौथा एग्जाम्पल भी हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं पाँचवा एग्जाम्पल भी खुद करूँ, खुद एग्जाम्पल में करूँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि आज हमारी रिविजन जो है, ये सारी रिविजन चल रही है, रिविजन हमारी ठीक ठाक हो जाएगी और फिर हम अपना क्लास को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है काशिफ? यस सर। हाँ बच्चों हमारे हाँ, तो चलिए बच्चों इस आज वाले इस आखिरी सवाल को भी हम कर लेते हैं, फिर क्लास को कंक्लूड कर देते हैं, चूँकि आज हमारी पहली क्लास थी छुट्टियों के बाद। एग्जाम्पल नंबर फाइव जो है वो ये है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, आप क्रिटिकल पॉइंट्स को तलाश करें इस फंक्शन का, बहुत खूबसूरत सवाल, ठीक है, इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स तलाश करें, वो क्या है, टेन एक्स वाई पावर ई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन के आप क्रिटिकल पॉइंट्स तलाश करें। अच्छा, एंड यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू क्लासीफाई ईच पॉइंट एज वन वेयर अ सैडल लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो अच्छा, तो बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है बच्चों, इसको सॉल्व कर दें, इसका ग्राफ अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देख लेते हैं कि अगले पेज पर है कि नहीं, लेट मी सी वेदर वी हैव इट्स ग्राफ और नॉट, यस वी हैव इट्स ग्राफ, और यहाँ नज़र आ रहा है कि इसके लोकल मैक्सिमा भी है और लोकल मिनिमा भी है, ग्राफ से नज़र आ रहा है। देखो इस इलाके में ये वाला खान है, इस इलाके में दिस वी हैव दिस लीडर दिस मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ़ यू सी वी हैव द मिनिमम, छोटे बंदे भी हैं उसमें, इस पॉइंट पर देखो ये लोकल मिनिमाज हैं, ये बिल्कुल, और मजे की बात बताऊँ ये प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन मुझे लग रहा है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन लग रहा है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है ना नॉर्मल, बिल्कुल उसका इसका ग्राफ उसका सरफेस है, मगर वो नहीं है, ये उस तरह लग रहा है, अगर ये एक्स वाई साथ में ना होते तो ये बिल्कुल होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। एनी हाउ, तो ग्राफ से तो नज़र आ रहा है कि है इसके मैक्सिमम वैल्यूज, इट हैज मैक्सिमम वैल्यूज एंड इट हैज मिनिमम वैल्यूज, लेट्स सी व्हाट मैथमेटिक्स व्हाट थ्योरी सेज, लेट्स सी लेट्स चेक इट माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेट देम सिमल्टेनियसली टू जीरो इन सीकिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर देंगे और जीरो के बराबर ले देंगे, बिल्कुल ये एक एक्सप्लिसिट बात है ना, खुली बात है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसका मैं खुद अपने हाथ से डेरिवेटिव तलाश करूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स, मुझे सुन सकते हो आप लोग? हेलो जी सर। थैंक यू थैंक यू, मैं सिर्फ सुन सकते हो कि नहीं? अच्छा बच्चों मैं इसका डेरिवेटिव तलाश करता हूँ अपने हाथ से। सर आपकी आवाज हमें बहुत स्लो आ रही है। अच्छा अभी अभी कैसे आ रही है मेरी आवाज? सर अभी ठीक है, अभी सही है। अच्छा थैंक यू फॉर फॉर आस्किंग। अच्छा अच्छा बच्चों मैं इसका जो है ना डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ ताकि, और ये आखिरी एग्जांपल है फिर मैं क्लास को कंक्लूड कर देता हूँ, सो प्लीज बी इन द क्लास। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी नो द बेसिक फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, वी अप्लाई डेरिवेटिव ऑपरेटर and let's see what we get, 10 x y e power minus x square plus y square, let's first calculate derivative with respect to x, okay, so if you see this is derivative with respect to x, so y and 10 will be, they 10 is already constant, and I'm sorry, y and 10 will be
taken outside because they are constant. So we have 10y over here, and derivative is applied on x into e power minus x square plus y square. So we have over here. Okay, what is next? Let us, we will be using product rule because both are the function are in product. So we will be needing product rule. So how to do that? My dear student, first, and do remember this question for paper point of view. Keep remember, this is important question. First, derivative of the second, derivative of E, derivative of this function. What is the derivative of this? We know that derivative of exponential function is itself. So iska derivative yahi aayega. Yani when derivative apply an exponential function, so derivative of exponential function is itself. So just you write it again, minus x square plus y square, and apply derivative on the power. This is how we find the derivative. So exponential derivative itself, and again apply derivative on its power. You can see minus, because here we have minus, so this minus will be we just write over here, because we can write it over here. So derivative of exponential function is exponential function itself and derivative of its power. This is the complete method. Actually, this is product rule. I'm revising, don't worry. Okay, so as two function are in product, so first derivative of the second plus second derivative of the first. So plus second plus second derivative of the first, second derivative of the first, and first is x. Now you have done the question, my dear students. Now the rest is very, very simple, very, very simple. How? Yeah, if you see here, derivative of x square is 2x, and here derivative of x is 1. So only you need to write in a simplified form. Okay, the rest is simple. I just go to the book again and show you what is the answer, the rest answer. This is the answer. Derivative with respect to x. Yes, you will get this. This and you get this simple. जो मैंने आपको बताया product rule इस्तेमाल हुआ. You can see that portion again and again, and it will be very easy for you. And it is alhamdulillah recorded. Okay. Similarly derivative with respect to y. क्या मैं इसको calculate करूँ हाथ से कि नहीं, इसकी अब जरूरत नहीं है, मुझे जरा बता दे. revise कराऊँ? सर इसी तरह है ना, बस इसी तरह है ना, जो बिल्कुल इसी तरह है बच्चों. यस सर, अब वो कहो तो मैं रिवाइज कर सकता हूँ. नहीं सर, ठीक है बस. अच्छा, फिर कोई मसला हो मुझे बताओ बच्चों. अच्छा, तो ये दोनों डेरिवेटिव्स आपको कैलकुलेट हो जाएंगे. जब दोनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट हो जाएं तो उनको जीरो के इक्वेट कर दो. ठीक है, जब जीरो के लिए इक्वेट कर दो ना, अब देखो मैं इसको देखो इसका सोल्यूशन देख लें. जब आप जीरो के लिए इसको इक्वेट कर दें तो देखो ये क्वांटिटी, अब गौर फरमाए काशिफ इब्राहिम और नवीद और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये देखो जब आपने इसको जीरो किया, अब टारगेट ये है कि एक्स वाई की वैल्यू, नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब ये क्वांटिटी याद रखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो देखो जब इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये तो जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि या तो ये टेन भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट से अगर जीरो आ रहा है तो या वाई जीरो है और या ये जीरो है. ये दो चीजें जीरो हो सकती हैं, ये दो चीजें. तो इसका मतलब है कि वाई जीरो है या ये दूसरा फैक्टर जीरो है. सिमिलरली दूसरे इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो नहीं हो सकता, टेन भी जीरो नहीं है,
तो इसका मतलब है या तो एक्स जीरो है या ये फैक्टर जीरो है। इन लोगों ने भी ऐसे लिख दिया है कि या तो एक्स जीरो है या ये फैक्टर जीरो है। अब हमें इनको एक्स और वाई की एक एक वैल्यू तो आ गई, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, वाई को वहां शिफ्ट कर लो, स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान बच्चों। मुश्किल होता मैं खुद इसको कर लेता। एक वैल्यू तो आपके पास आ गई, सोल्यूशन आ गया जीरो जीरो, ठीक है। यहाँ से आपके पास, यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे ना, प्लस माइनस में आएगा। मैं इसको एक एक को अपने हाथ से कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई मसला लगे ही ना, क्योंकि बहुत आसान है इंशाल्लाह अजीज। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ लेबॉरेटरी में। अच्छा, अब गौर फरमाए बच्चों, मैं इसको क्लास को भी ख़त्म कर रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए, मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ इसको देखें, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ ना। तो ये देखें, इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, आपको वो पता है, तो 2x स्क्वायर को छोड़ दें, 1 को वहाँ शिफ्ट कर लें, माइनस माइनस कैंसिल ये आ जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी यहाँ भेज दें, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/2 आ गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। ये आपको पता है, जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें किसी इक्वेशन में तो प्लस माइनस एक साइड पर लगाते हो, ये रूल है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/1/2, x की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली y की भी वैल्यू जो है ना, y की भी वैल्यू इस दूसरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, ये दूसरा इक्वेशन, ये इसका भी वही तरीका है, इससे इसे भी y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, तो y की भी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में आ जाएगी 1/√2, ठीक है। तो बच्चों कैन यू हेयर मी? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, अब देखो आपके पास ये चार वैल्यूज आ गई, तो इनको इनको एक साथ में लिख दो, पेयर पेयर के फॉर्म में बच्चों लिख दो। कैसे लिख दो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये आप इस तरह कर लेंगे बच्चों कि जीरो जीरो आपके पास आ गया एक क्रिटिकल पॉइंट, ये देखो एक तो आ गया था जीरो जीरो, 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट, माइनस एक्स के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ये प्लस ये माइनस, और दोनों माइनस, ऑल पॉसिबिलिटीज, तुम्हारे पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए। सिंस बोथ पार्शियल हियर The only critical points, ये वो आपको चार critical points मिल गए। अजीब बात ये है, आज के सवाल पांच, 1, 2, 3, 4, 5, इस function के 5 critical points हैं। अब पता नहीं किस पर maximum है, किस पर minimum है, फैसला कौन करेगा? ये next we calculate the second partial derivatives, हम double derivatives को इस्तेमाल करेंगे अपने purpose के लिए, और हम उनसे पूछेंगे कि किस पर maximum function देता है, किस पर minimum देता है, और किस पर कुछ नहीं देता। फैसला डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे, और वो अप्लाई होंगे, उनकी एप्लीकेशन आपके नजर के सामने इंशाल्लाह। अब डिस्क्रिमिनेंट हमें कैलकुलेट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी खातिर हमें डबल डेरिवेटिव, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अगर ये सवाल आ गया ना, तो इस सवाल को या एक सवाल अकेला आना चाहिए पेपर में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, खूबसूरत कैलकुलेशन है यार, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। शायद मैं सवाल को पहली दफ़ा कर रहा हूँ, आज तो मैं इसको टीच कर रहा हूँ बहुत मुद्दतों से, मगर ये सवाल नया सवाल लग रहा है इस बुक में। एनी हाउ, डबल डबल डेरिवेटिव आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी। आप ये कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ आप लोगों पर, ये कैलकुलेशन आप यहाँ, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कैलकुलेशन है ठीक ठाक इसमें, और फिर मिक्स भी आप कैलकुलेट कर लोगे। जब आप ये दोनों जवाब तो लिखे हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, और नहीं कर सको तो फिर मुझे बता दो, ठीक है, क्योंकि तब तक मैं पेपर में इसको नहीं लाऊंगा। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हमने कैलकुलेट किया, और मिक्स भी कैलकुलेट किया, तीनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए। अब खूबसूरत टेबल बनाया हुआ है, बिल्कुल खूबसूरत टेबल बनाया हुआ यार, बेहतरीन बेहतरीन। देखो अगर हम करते शायद इस तरह ना करते, इन्होंने खूबसूरत बनाया है। देखो क्रिटिकल पॉइंट एक एक करके चेक करें कि क्या सिचुएशन है, साइंस नोट करेंगे। कशिफ समझ आ रही है? बिलाल, नवीद, यस सर, गौर फरमाएं। अच्छा प्लीज इसको गौर फरमाएं, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके डबल डेरिवेटिव्स हैं, ये डबल, ये मिक्स का है, ये वाई है, और ये डिस्क्रिमिनेंट। उन्होंने अब ये तरीका किया जो कि बहुत आसान है अपने मकसद के, साइन को नोट करेंगे। अच्छा, पहला जब जीरो जीरो इसने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया ना, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला तो आपको पता है, एफ ऑफ एक्स डबल इंटू एक्स डबल इंटू वाई माइनस मिक्स का स्क्वायर,
तो पहले पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का साइन नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताएं, अगर डिस्क्रिमिनेंट का साइन नेगेटिव आए तो इसका क्या मतलब होगा? सर सेडल पॉइंट। हाँ, सैडल पॉइंट। तो ये तो भाई बेकार हो गया, 0-0 बेकार हो गया। ठीक है, वो उसकी बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अब जो है ना, अब आपके पास जो है, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 1/√2, 1/√2। ये आपका जो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, जब 1/√2, 1/√2 आ गया, तो ये 1/√2, अब इसको आप डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लें, तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने से 400/e² आता है। ये डिस्क्रिमिनेंट आप खुद कॉपी में जरा कैलकुलेशन करेंगे, बच्चों सवाल को कर लें आप। ये पॉजिटिव साइन आ गया। पॉजिटिव का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? पॉजिटिव का, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का। सर उस पे हमें फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देगा। हाँ, फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा में कोई एक देगा, मगर फिर हमें किसका साइन देखना होगा? डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, या डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई का, किसी एक का। अच्छा, अगर डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर फिर नेगेटिव आ जाए, उसका क्या मतलब होगा? सर लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम। शाबाश शाबाश, मैक्सिमम। मुझे मुझे कोई स्टेबल में कमी बता दो, इसमें कमी क्या है, स्टेबल में कमी क्या है? कमी बता दे, कमी स्टेबल में है, कमी बता दो स्टेबल सर में। ये मैक्सिमम, सर ये मैक्सिमम लोग मिनिमम नहीं लिखा है इसमें। हाँ, इनको यहाँ टेबल में एक दूसरी, एक पांचवा कॉलम बनाना, छठा कॉलम बनाना चाहिए था, और वो फंक्शन के आउटपुट्स, कि वो इसको फंक्शन में भी पुट करते और आउटपुट भी नजर आता। तो ये इन्होंने कमी की है, ये आप इसमें पर ऐड कर लें। ये सवाल पेपर में आना चाहिए। आज लग आप लोग क्लास में हो ना, आज आप लोग किताब से कदम आगे चले गए हो, कि इसमें एक कॉलम की कमी है, वो होता तो ज्यादा अच्छा होता। एनी हाउ, तो इस पर तो मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है, इस पर ही मैक्सिमम आ रहा है। शाबाश, इन लोगों ने ये ट्राई किया है, मगर इनका भी अच्छा है, देखो अच्छा किया, टेबल बनाया है इन लोगों ने। अच्छा, ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट जब ट्राई किया है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर भी मैक्सिमम है। अब आपको आज की क्लास में एक लर्निंग मिल गई है। क्या लर्निंग मिल गई है? लर्निंग ये मिल गई है कि देखो, लोकल का मतलब ये है कि किसी खास इलाके में। सर, किस इलाके में? देखो, इलाके का मतलब ये है कि इस कुर्बो जवार में, इस रीजन में ये बड़ा है, इस इलाके, इस रीजन में, डोमेन में ये मैक्सिमम हाइट है। तो आप अल्टीमेट किसी एक को नहीं कह सकते। अल्टीमेट अगर कहोगे, वो ग्लोबल कहता है, ग्लोबल मशर, ग्लोबल डेरिवेटिव्स ये आपको लोकल ही देंगे, किसी खास इलाके में देंगे। आप नहीं कह सकते कि फंक्शन की सबसे बड़ी ही वैल्यू यही है, नहीं, किसी खास रीजन में, किसी खास रीजन में आप कहेंगे। अब ये देखो, इस पर भी हमें मैक्सिमम मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, डबल डेरिवेटिव का साइन आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? सर लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम। शाबाश, और आउटपुट निकालना आप कर सकते हो, कैलकुलेटर भी है आपके पास, कैलक वाला कैलकुलेटर भी है, कर सकते हो आप इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला इन्होंने ट्राई किया, ये क्रिटिकल पॉइंट, इस पर हमें हाँ, मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का साइन पॉजिटिव है, और इस पर भी लोकल मिनिमा है, वेरी गुड। और इस वाले को जो मैंने ट्राई किया है तो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसका मतलब कि दोनों में कोई एक है। साइन नेगेटिव आ गया डबल डेरावेटिव का, तो इसका मतलब है लोकल मैक्सिमम। इन्होंने वैल्यूज निकाली हैं, आगे इन्होंने कोशिश की है मेरे ख्याल से, पुट किया है फंक्शन में, फंक्शन में पुट किया कि नहीं? नहीं किया, नहीं इन लोगों ने किया नहीं है। हाँ, किया नहीं है, करना चाहिए था, ये कुछ कमी है उसमें, मगर बाकी सवाल इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से किया, और अपने नवियत का बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत। ओके बच्चों, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। कोई आपका सवाल आ रहा हो तो ओपनली मुझसे पूछ लें बच्चों, कोई क्वेश्चन हो आपका ओपनली पूछ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? नो सर, सर एक सवाल नहीं है सर, ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, मेरे पास बुक है इसमें नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, एक तो आपने वीडियो में आपके पास आ गया, ठीक है, एक मैं किताब के आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह सर, ये बुक है मेरे पास लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी है मेरे पास बुक। ठीक है, ये सवाल भी मैंने खुद ही देखा है, कि ये मैंने खुद पहले